पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में कांग्रेस को मिले बहुमत से हमीरपुर जिला कांग्रेस भी गदगद हो गई है। तीन राज्यों के बहुमत के नतीजों से खुशी जाहिर करते हुए गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़कर लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, विवेक कटो, सुमन भारती, निशा कटो सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि तीन राज्यों में मिले बहुमत से हमीरपुर में भी कांग्रेसी खुश हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जाता है और इन चुनावों के नतीजों से पीएम मोदी की पोल खुली है। इस तरह से जो पांच विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में जिस तरह से तीन राज्यों के अंदर जो कांग्रेस को जो बहुमत मिला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस जो वहाँ का बहुमत मिला है उसका जो श्रेय है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जाता है, उनके सराहनीय प्रयासों से। और जिस तरह से 4.5 वर्ष का कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की जी की जो केंद्र की सरकार थी, जिन्होंने हमेशा इस देश को ठगा, हमेशा झूठे वादे दिखाए, उन्होंने रोजगार की बात की थी, भ्रष्टाचार की बात की थी और काला धन वापस लाने की बात की थी, परंतु आज 4.5 वर्ष के कार्यकाल में ना तो किसी युवा को रोजगार दिया गया और जहां तक भ्रष्टाचार की बात थी तो भ्रष्टाचार बुरी तरह फैला हुआ है। साथ में जो कीमतों की बात थी, आज आप देखेंगे कि कीमतें भी आसमान छू रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया और आज जो तीन राज्यों के अंदर जो विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला है, ये इसका श्रेय माननीय श्री राहुल गांधी जी को जाता है। और इससे स्पष्ट पता चलता है कि आने वाले जो लोकसभा 2019 के जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस जो है केंद्र में भी सरकार बनाने जा रही है और निश्चित तौर पे आज जो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो उनमें उत्साह है और आने वाले 2019 के चुनावों में वो अपने उत्साह और एकजुटता के साथ पार्टी को आगे ले जाने के लिए कार्य करेगा और निश्चित तौर में 2019 का जो चुनाव है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़कर जो है कांग्रेस पार्टी फिर से केंद्र में सत्ता पाएगी। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि इन चुनावों में तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की बहाली हुई है और पीएम मोदी की नीतियों से लोगों ने दुखी होकर कांग्रेस को जीत दिलाई है। उन्होंने दावा किया है कि 2019 में भी कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस सरकार आई है, ये लोकतंत्र की बहाली हुई है तानाशाह के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ और लोगों के जो ऊपर नजायज जो सिस्टम से टैक्स लगाए गए हैं, GST है और राहुल गांधी की जो मेहनत रही उससे जो कांग्रेस जो है वो तीन राज्यों में जो सत्ता में आई है। और ये जो है वो 2019 का जो सेमीफाइनल है, तो ऐसा लगता है कि 2019 में भी कांग्रेस सरकार जो है सत्ता में आएगी।